Hello future officers not every news is relevant for your upsc preparation hi my name is rohit garcha and i am here to bring you the 25 years experience of abhimanyu ias which has given more than 2200 selections since 1999 this is a 7 minute current affair series called to the point zid se jeet tak हाय एवरीवन बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन दिस इज यूपीएससी फेवरेट एरेना फेवरेट सब्जेक्ट जिसको कह सकते हैं हम बेसिकली दो सब्जेक्ट से कॉन्फ्लुएंस पे ये टॉपिक पड़ता है इन्वायरमेंट और आपका गवर्नेंस राइट right? अब आगे आगे आप देखते जाओगे कि हर चीज एनवायरमेंट से रिलेटेड होती जा रही है होनी भी चाहिए बहुत अच्छी बात है तो वैसे ही आज की जो हमारी ये क्लास है ये जो हमारी वीडियो है इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं एक रिपोर्ट के ऊपर विच इज एन एनुअल रिपोर्ट बाय यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम राइट एमिशंस गैप रिपोर्ट ये साल में एक बार रिपोर्ट आती है ये इसमें बच्चे ये टॉपिक यहाँ हालांकि आपको पता होगा कि अमिशंस गैप रिपोर्ट है यू देता है आज जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं ना ये हम रिपोर्ट से थोड़ी हटके चीज देखने वाले हैं इस एंगल पे देखेंगे कि क्या पूछा जा सकता है इस पे और कहाँ पे आपको घुमाया जा सकता है क्योंकि इन टॉपिक्स में आपको घुमाना थोड़ा सा ईजी है जैसे वो सिंपल पूछ सकते हैं कि गैप रिपोर्ट क्या देती है क्या बताती है आपको है ना आइए देखते हैं बच्चे इट गिव्स यू एन ईयरली रिव्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वेयर द ग्रीन हाउस एमिशंस आर प्रिडिक्टेड टू बी इन 2030 एंड वेयर दे शुड बी टू अवॉइड वर्स्ट इंपैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज ठीक है जी

एंड लेवल्स कंसिस्टेंट विद पेरिस एग्रीमेंट ठीक है जी एंटीसिपेटेड है ना ये बेसिकली ये प्रोडिक्शन है कि इस स्पेस के ऊपर इतनी होती रहेगी एमिशन है ना ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं आगे के लिए ये हम एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं इस डेटा को राइट और होनी कितनी चाहिए एमिशंस गैप रिपोर्ट इसके ऊपर बात करता है मैं आपको मेन मेन चीजें बता देता हूं कि किस गैप रिपोर्ट ने इस बारी क्या बोला है मेजर इंसाइट क्या रही हैं इस रिपोर्ट से हालांकि आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ये मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इसके हिसाब से अलाइन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस इस रिपोर्ट के हिसाब से अलाइन हुआ आपके आंसर्स में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स में थे उस उस चीज आंसर्स में से उस चीज की एसेंस उस चीज की खुशबू आएगी कि आप यू आर अवेयर अबाउट दैट आइए बच्चे देखते हैं पहला तो यही है कि इस बार तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर की बात हुई है आप इनके यहाँ से एक कवर से भी देख सकते हैं जो रिपोर्ट का कवर आया था वो कुछ ऐसा आया था ब्रोकन रिकॉर्ड राइट अगेन अ क्रिएटिव वे टू टेल रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर ठीक है जी एटी सिक्स डेज रिकॉर्डेड टेम्परेचर एक्सिडिंग वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो कि पेरिस एग्रीमेंट को ऑलरेडी ब्रेक कर रहा है इसके अंदर नेक्स्ट इज ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंक्रीज बाय पॉइंट टू परसेंट

जी टी सी ओ टू है ना वो पूछ सकते हैं कि ऑफन सीन इन न्यूज जी टी सी e, ओ टू ये क्या है ये एक को नापने का एक तरीका है राइट और उसको तीन चार और चीजें बोल सकते हैं कि ये बैंकिंग का कोई सॉफ्टवेयर है या एक मॉलवेयर आया है है ना स्पाईवेयर आया है कुछ इस टाइप का आपको ऑप्शन दिया जा सकता है इसमें ऑल सेक्टर्स रिबाउंडेड फॉर पेंडेमिक इन ड्यूज ड्रॉप एक्सेप्ट फॉर ट्रांसपोर्ट एक्सीडिंग ट्वेंटी लेवल फॉर्सिफिल कम्बस्टन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसिस

और वाइल्ड इंडिया रिमेन्स अंडर हाफ है ना पर कैपिटाइमेशन हमारी वर्ल्ड के एवरेज से आधी से कम है आधी के बराबर है अंडर हाफ ठीक है बच्चे और देखते बच्चे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यूएनईपी के ऊपर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो यूएनईपी एक ग्लोबल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है जो कि 1972 के अंदर फॉर्म हुई थी बच्चे हेडक्वार्टर इसका है नायरो जो अगर कोई आप पी सी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर बैंकिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो उसके अंदर इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि यू का हेड क्वार्टर कहाँ इट इज इन नायरो विच इज इन कीनिया राइट और इसके अलावा बच्चे यू एन ना आपकी ये चार इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है दैट इज एक तो हम आज ही डिस्कस कर रहे हैं मिशन गैप रिपोर्ट उसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक फ्रंटियर्स एंड इसके अलावा इन्वेस्ट इन टू हेल्थ ये चार इनकी मेजर रिपोर्ट्स है अगर आप इनको याद कर लोगे आपको हर की की भी याद करने जरूरत नहीं है थोड़ा सा options देख के, तक हम पहुंच सकते हैं बच्चे <coughs> इसके अलावा बच्चे यूएनईपी जो है आपके बहुत सारे के को होस्ट करता है यू कैन टेक अ स्क्रीन यू कैन पॉज वीडियो आप एक बार इसको जरूर अपने लेवल पे याद कर लीजिए कि क्या कन्वेंशन है जैसे मिनमाटा कन्वेंशन राइट इसके कन्वेंशन स्टॉक तो आपने सुन रखे हैं कन्वेंशन जो नहीं सुने उसके बारे में पढ़ भी लेना लेकिन इन सारे कन्वेंशन का जो सेक्रेटेरिएट है ये आपका होस्ट करता है यू एन ईपी एंड दैट इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रस एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of Current Affairs. Number three, weekly tests on Current Affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se, tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.